कोचिंग पे तो मेरा शुरू से ही बिलीव नहीं रहा, ना कोचिस पे कभी भी मेरा बिलीव था। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं कोचिस को नहीं मानता, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिज नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस होती है। कोचिज अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 ए लेवल पे होती है, उसके बाद नहीं होती कोचिज। देखिए ऐसा नहीं था कि अगर आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं था कि उन लड़कों को, उन प्लेयर्स को जो खेल सकते थे या जो जिन्हें कोचिंग स्टाफ में रहा, उन्हें मैनेज किया है पीसीबी ने, ऐसा नहीं था कि नहीं मैनेज किया। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को, हर जितने भी क्रिकेटर्स के साथ मेरी डोमेस्टिक में बात हुई, इवन मुशी भाई से अगर आप बात करें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट को सब मिस करते हैं। डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी सिक्योर प्लेयर अपने आप को समझता है, और काफ़ी क्रिकेटर्स और अच्छे क्वालिटी की क्रिकेटर्स सामने आते थे डिपार्टमेंट। सारी ज़िंदगी हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है, तो मैं समझता हूँ कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है, आई डोंट नो, हमारा मसला ये है कि हम एक चीज़ सिस्टम को बना तो देते हैं, उसे चलने नहीं दे देते, और फिर कोई नया सिस्टम उसके ऊपर ले आते हैं। तो इस तरह फंक्शन नहीं किए जाते सिस्टम को, सिस्टम को आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम आए, चाहे इमरान भाई वाला सिस्टम लास्ट वाला था या ये नया सिस्टम आएगा, इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, कोई भी सिस्टम हो। देखिए ये पहला सीज़न है मेरे लिए, पहला सीज़न है, मैं कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं कोई एबीडी विलियर्स को लेके आ रहा हूँ या आमला को लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी आएंगे, ये मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी आएंगे। मुशी भाई के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देखते हुए, उनका शेड्यूल कितने बिजी हैं कितने नहीं हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ 6 से 7 आराम से, 6 से 7 इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनमें एक्स भी होंगे और जो खेल रहे होंगे, इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि उनको लेके आए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम कोशिश ये है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि उनका कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, इजी टू मैनेज, तो उनको भी लेके आ रहे हैं हम इंशाल्लाह। जी देखिए पीसीबी का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ या चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ नहीं होना चाहिए। पीसीबी एक अलग सी बॉडी होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए उनके, और उस तरीके से क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि असम्बलियों तक ना ले जाने की ज़रूरत है। उन्हें इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड को इस्लामाबाद तक ना लेके जाएँ प्लीज़। मेरा जो, मैंने शहबाज़ शरीफ साहब को, खैर ये अब प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने के लिए, लेकिन आपने पूछ लिया, मैंने इमरान भाई को क्योंकि वज़ीर आज़म कोई भी हमारे मुल्क के हो बड़ी इज्जत की बात होती है, मैंने उनको मुबारकबाद दी है, और उसमें मेरा एहतजाज भी था जो कि इमरान भाई के लिए था, वो किसी और दिन बात करूँगा। आपने स्पोर्ट्स की बात करें कि जितने क्रिकेटर्स हैं उनको तो पीसीबी ने आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनमें डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है वो साबित पीएम जो है उन्होंने जब बंद किया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो पिछले 4 से 5 माह के अंदर जो है वो प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिली दीगर स्पोर्ट्स के लिए, तो क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देख सकते हैं कि उन प्लेयर्स के लिए भी कोई ना कोई बात करना चाहेंगे, या जो अभी करंट पीएम है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है एटलीस्ट बहाल कर दी जाए ताकि उन प्लेयर्स का बॉस, मैं यहाँ पे बैठ के ऐसी बात नहीं करना चाहता कि यहाँ कर दूँ और फिर बाद में काम ना करूँ, मैं वो कमिटमेंट आपके साथ नहीं करना चाह रहा। हम भी, हमारी जो अपनी कमिटमेंट है ये बड़ी कमिटमेंट है, इसको लेके हमने चलना है, ये बड़ा कॉज है, इसको हमने इंशाल्लाह लेके चलना है। इस प्लेटफॉर्म से जो भी हो सकेगा किसी भी एथलीट के लिए वो इंशाल्लाह हम करेंगे फ्यूचर में। यार बस वो ख़त्म हो गया अब मेरे ख्याल में, पीएसएल अब नौजवानों की क्रिकेट है, हम थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो बस मैं और मुशी भाई जो है ना वो पीएसएल, इंजी भाई जो है ना वो पीएसएल खेलेंगे, विकी भाई भी आ गए तो वो भी पीएसएल ही खेल, ये पीएसएल कह रहा हूँ, एमएसएल खेलेंगे इंशाल्लाह, वो ज़्यादा वो सर्वाइव कर जाएंगे उसमें हम। Because ये अभी leisure league है, the idea is to actually build a leisure league. इसी वजह से सबको involve करें साथ, तो अभी जो contracted players हैं PCB के they won't be playing. Because I think we can't even make them play. Clash होता है PCB से, so हम ऐसा कुछ नहीं चाहते. The whole idea is it's not just cricket, it's cricketainment. That's what we are calling it. So it's a blend of cricket and entertainment, and this is why we have chosen the players who have already either retired या जो contracted.
जिस तरह मैंने कहा ये फैमिली ओरिएंटेड फेस्टिवल टाइप का, तो इसमें अगर पीसीबी के साथ हम चाहेंगे कि पीसीबी को ऑन बोर्ड लें और जहां हमें ज़रूरत हो दो चार नामों की कि वो कुछ आध मैचेस, पूरा सीज़न नहीं, कुछ आध मैचेस हमारे साथ खेलें, इसलिए कि फैमिलीज आती हैं, ऑटोग्राफ तस्वीरें वगैरह उनके लिए तो एक फेस्टिवल ही है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि पीसीबी इसमें साथ देगा हमारे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह लीग्स आ रही हैं डिफरेंट, और जो डबल विकेट का था वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम इस लीग को दोबारा इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि शारजा में जो जितने भी जिस तरीके से बेनिफिट्स मिलते थे क्रिकेटर्स को, वो चीज़ हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं कि क्रिकेटर्स को, जो आर्टिस्ट हैं उनको, जो मीडिया वाले लोग हैं जिन्हें काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, उनकी फैमिलीज को दोबारा इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पावर की जाए। कोचिंग पे तो मेरा शुरू से ही बिलीव नहीं रहा, ना कोचिस पे कभी भी मेरा बिलीव था। इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं कोचिस को नहीं मानता, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिस नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस होती है। कोचिस अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 ए लेवल पे होती है, उसके बाद नहीं होती कोचिस। हाँ तो वहीं रहे तो बेहतर है। थैंक यू। अब ये साइन करवा लें शायद से, वो जो चौधरी रऊफ से जी सेरेमनी उधर कर लेंगे ना, मुझे वो साइनिंग सेरेमनी की जगह बनाएंगे, बल्कि बल्कि शायद मैं कहता हूँ मैं चले जाता हूँ, आप ना बकार सब बोले एक एक करके बुला दो, आप मुस्तफा ना उनको इधर सवाल कर दिए तो बकार और जवाब को विकी भाई। हाँ विकी भाई, इंजी भाई आ जाए ना ऊपर, नहीं नहीं आएंगे, बता दे तू बैठो विकी इंजी भी लेनी है चेक के, आप लोग आ जाओ आप सब लाइन चेक की आज, वो विकी भाई आप बैठ, विकी भाई इंजी भाई लोग बुलाओ बुलाने के बाद आइए कुर्सी आ जाओ आगे। उनका भी पर्पस हो जाएगा तो अच्छा कॉज अच्छी हो जाएगी। हाँ ठीक है गुड, आप ना शायद कोई कंसर्न हो ना तो आप शायद को आर्टिस्ट वाला आइए।